के बनाई हुई पहचान में और जूते चाट के बनाई हुई पहचान में बड़ा अंतर होता है। हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस तरीके से AI वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन में फ्री में? तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहिए। सबसे पहले हम लोगों को एक इमेज जरूरत पड़ने वाली है जो कि AI जनरेटेड इमेज होनी चाहिए, जिससे हम कैरेक्टर बोलने वाले हैं उसे हमें डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको लिरिक्स यानी कि स्टोरी, आपको मोटिवेशनल स्टोरी की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट में AI टूल की जरूरत पड़ने वाली है जिससे हमें इस वीडियो को क्रिएट करना होगा। उसके बाद किस तरीके से आप अपने स्टोरी को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। A to Z पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक इमेज को कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टोरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो सिंपली हमें स्टोरी के लिए अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन में जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको ओके कर देना है, और जैसे ही इस लिंक को आप ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मोटिवेशनल स्टेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आप अपनी सोच को निखारते हैं तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को निखारते हो, और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। सिंपली इसे आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके आपको ये वाला पैराग्राफ या फिर जितनी भी बड़ी आपको चाहिए यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको किसी नोट्स में ले जाके, इसमें मेरे पास एक नोट्स मैंने है, आप भी इसे नोट्स पे ले जाके हमने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दिया। दोस्तों अब इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है इसको वॉइस में कन्वर्ट करना। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करना पड़ेगा, इसे एप्लीकेशन में जाना होगा क्रोम में, और वहाँ पर जाके आपको एक वेबसाइट होगी जिसका नाम है 11 Labs। जैसे ही सर्च करोगे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको ओके करना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लाके यहाँ पे इंग्लिश, जर्मन, बहुत सारी आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगी, हिंदी, इटालियन, सब कुछ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं हिंदी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो भी हमारा इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जैसे किसी चीज़ को हमें जानना है, एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लाइन इसमें दी हुई है, तो हम इसमें पेस्ट करेंगे उस लाइन को, और यहाँ पर हम इसे सुनेंगे पहले। अगर आप अपनी सोच की निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो, और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। अगर आप अपनी सोच की दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी वॉइस में यहाँ पे हमें इसका जो है ऑडियो मिल गया है। सिंपली यहाँ पे बगल में आपको डाउनलोड का एक एरो मिल रहा होगा, इस पर आपको ओके कर देना है, और यहाँ पे आपके फाइल में ये जाके डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिर से एक दूसरे वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है लेक्सिका। दोस्तों हम फिर से एक दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे और जिसका नाम है लेक्सिका, आपको यहाँ पे सर्च करना है लेक्सिका। जैसे ही आप सर्च करोगे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको ओके कर देना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेज जो है मिल जाएंगी जो कि AI रिलेटेड वीडियोस, AI बेस्ड यहाँ पे होती हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एक, आपको जैसी भी चाहिए, यंग चाहिए, ओल्ड चाहिए, या फिर यूथ चाहिए, गर्ल्स चाहिए, बॉयज़ चाहिए, सब मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड मैन, लिख के यहाँ पर हम सर्च करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी ओल्ड मैंस की फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ पे AI जनरेटेड बहुत ही लेटेस्ट फ़ोटोज़ जो हैं आ चुकी हैं। तो आपको सिंपली किसी भी फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये साइड से नहीं होनी चाहिए, आपको फ्रंट में एकदम होनी चाहिए, ताकि ये इसकी जो इस पर जो ऑडियो है अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, ये फ़ोटो ठीक है, ये वाली। इस फ़ोटो के और भी आपको व्यू मिल जाएंगे, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, पर मैं ये वाली फ्रंट वाली लूँगा, इस पर हमारा ऑडियो काफ़ी अच्छा अप्लाई होगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये हमारी फ़ाइल में ये फ़ोटो भी जाके डाउनलोड हो गई। नेक्स्ट वाला, जिसे हमें फिर से एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है DIDAI, तो हमें फिर से क्रोम में जाना होगा, यहाँ क्रोम में जाना है और लिखना है DID, यहाँ पे DIDAI आ गया है, तो हमें यहाँ पे इसे ओके कर देना है।
ओके करते ही गाइज आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। और यहाँ पे आपको क्रिएट फ्री एआई वीडियोस का ऑप्शन दिखेगा जो कि एकदम फ्री होती है, आपको इस पे ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपको ओपन होगा। तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाके आपको यहाँ पे चाहे कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पहले इसमें लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पे ओके करना है। और ये देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहा है, तो हम इसमें ईमेल एड्रेस डालेंगे। दोस्तों सिंपली पहले हमें डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हम डेस्कटॉप मोड यहाँ बगल में जाके डेस्कटॉप मोड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली हमें क्रिएट वीडियो पे ओके करना है सबसे पहले। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे पहले से ही इमेज बहुत सारे एआई वीडियोस इमेजेस जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने जो इमेज जो है डाउनलोड किया है उसे लाना है। तो यहाँ ऐड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इस वाली फ़ोटो को लेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला स्टेप करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप लोग यहाँ पे बगल में देख सकते हैं ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट भी नीचे लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नहीं तो आप इसमें आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऑडियो का ऑप्शन आ गया, हमें इस पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे ओके करना है। अपलोड वॉइस पे आपको ओपन ओके करना है। आपको फाइल जो है नीचे ओपन हो गई है, सिंपली आपको फाइल पे ओके कर देना है। और जो भी हमने अभी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट किया है पैराग्राफ को, उसको यहाँ पे लाना होगा। तो सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पे ऑडियो को सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे हमारी ऑडियो जो है सेलेक्ट हो चुकी है। यानी यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन है जनरेट वीडियो, इस पर आपको ओके करना है। सिंपली आपका वीडियो यहाँ पे प्रोसेस में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद ये वीडियो सीधे डाउनलोड होकर आपके गैलरी में चली जाएगी। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। बहुत ही छोटी वीडियो, मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। तो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।